नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं महाखबर। हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका होता है आप पर असर। अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से दो बड़े वादे किए, बिजली हाफ और पानी माफ। उन वादों को अरविंद केजरीवाल सरकार किसी हद तक पूरा करने में कामयाब भी हुई है। उसी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बार दिल्ली में CCTV कैमरे, स्ट्रीट लाइट और फ्री वाईफाई जैसे वादे को भी पूरा करने की कोशिश की है। हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने अपने इन तीनों वादों को पूरा तो किया है, मगर इन वादों को पूरा करने के साथ ही इसका वजन सरकार अपने ऊपर ले रही है या जनता की जेब पर ये वजन आने वाला है। अभी हाल ही में हमें खबर मिल रही है, दिल्ली की जनता के घर जो बिजली के बिल पहुँच रहे हैं, उन बिलों में तीन कॉलम नए जुड़ गए हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम है CCTV कैमरा, दूसरा स्ट्रीट लाइट और तीसरा फ्री वाईफाई। अपने बिजली के बिलों में इन तीनों कॉलम को देखकर जनता परेशान है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर ये तीनों कॉलम बिल में क्यों जोड़े गए हैं, क्या इसका वजन दिल्ली की जनता पर पड़ने वाला है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिजली के बिलों में जो ये तीन नए कॉलम जोड़ दिए गए हैं, इसमें जो बिल आएगा वो सरकार भरेगी या जनता को भरना पड़ेगा।